हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी रूम में। तो मैं रविंद्र जांगरा दोस्तों, आज आपको करवाऊंगा कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो आपके हरियाणा के एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में, हरियाणा पुलिस SI में, कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव, ये जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों हरियाणा के, उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट से संबंधित भी 2, 3 या 5, 6 तक क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के पूछ लिए जाते हैं। तो जितने भी जो क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस ईयर के, वो आपको दोस्तों इस वीडियो में कम से कम 30 या 35 क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि एग्जाम में आपसे रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो को बिना स्किप करें दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार आपको जो लगातार कंप्यूटर क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि दूसरों को ईमेल भेजना, दूसरों को ईमेल भेजना महत्वपूर्ण जानकारी चोरी करने के लिए, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड और बैंक विवरण, इस तरह की जो जानकारी है दोस्तों वो चोरी करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फिशिंग। क्या होता है दोस्तों? इसे बोलते हैं फिशिंग, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि लैन क्या है, लैन की दोस्तों फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से गैर कंप्यूटर भाषा को हटाएं, ऐसा ऑप्शन दोस्तों जो कि इसमें कंप्यूटर की भाषा नहीं है वो आपको इसमें बताना है। तो C++ दोस्तों क्या है? कंप्यूटर भाषा है, बेसिक भी कंप्यूटर भाषा है, कोबोल भी कंप्यूटर भाषा, परंतु MS Excel दोस्तों एक सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ALU किसका हिस्सा है, ALU किसका हिस्सा है? तो ये है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। इसके बाद हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है? तो ये है दोस्तों C++। कौन सी है? C++। इसके बाद में दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण की पहचान करें, ये क्वेश्चन भी आया था। तो जैसे कि आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों CD, SSD, DVD या RAM, तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों? ये होती है RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि फिफो का पूरा नाम क्या है, फिफो का दोस्तों पूरा नाम क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या हुआ? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों TCP/IP का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अनधिकृत डाटा को एक्सेस प्राप्त करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दोस्तों हैकिंग के रूप में। किसे जाना जाता है? हैकिंग के रूप में इसे जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इंट्रानेट क्या है, इंट्रानेट क्या है? ये दोस्तों एक प्राइवेट नेटवर्क है। क्या है? प्राइवेट नेटवर्क है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित या निगरानी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नेटवर्क ट्रैफिक को दोस्तों नियंत्रित या उसकी निगरानी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों फायरवॉल का। किसका उपयोग किया जाता है? फायरवॉल का। ऑप्शन नंबर D। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमजोर सिग्नल की रेंज और ताकत का विस्तार करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कमजोर अगर सिग्नल हो तो दोस्तों उसकी रेंज को और ज़्यादा विस्तार करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रिपीटर का। किसका उपयोग किया जाता है? रिपीटर का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान का उपयोग नोट्स को नेटवर्क में जोड़ने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग दोस्तों नोट्स को नेटवर्क में जोड़ने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है स्विच का। स्विच का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट में Ctrl+Z का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो Ctrl+Z दोस्तों ये कौन सी शॉर्टकट होती है? होती है अनडू के लिए। किसके लिए होती है? अनडू। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी? तो चार भाषाएं दी गई दोस्तों, मशीनी भाषा, एल्गोरिदम, मानव भाषा और पास्कल। तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी दोस्तों? ये है पास्कल, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है? जो दोस्तों डेटा जो होता है कंप्यूटर के अंदर, उसको स्थायी रूप से स्टोर करने का कार्य किसका होता है? ये होता है हार्ड डिस्क का। किसका होता है? हार्ड डिस्क का। इसके बाद में है कि CAD का पूरा नाम क्या है? तो
तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से पुरानी प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, ऐसी भाषा दोस्तों जो पुरानी प्रोग्रामिंग भाषा है। तो ये थी दोस्तों मशीनी लैंग्वेज। कौन सी थी? मशीनी लैंग्वेज। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी संख्या के लिए एक उदाहरण है। तो बाइनरी संख्या क्या होती है जिस दोस्तों जिसमें एक और जीरो का उपयोग होता है, बाइनरी संख्या केवल वही होती है। तो ऑप्शन सिर्फ एक ही दिया गया इसमें, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्या है दोस्तों? बाइनरी संख्या। बाकी क्या है सभी? ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि बाइनरी संख्या में दोस्तों एक जीरो इसी तरह सिर्फ दो संख्याओं का यूज़ होता है, एक और जीरो का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ईमेल एड्रेस के सही प्रारूप की पहचान करें। ईमेल एड्रेस दोस्तों सही प्रारूप क्या होता है उसका? जैसे किसी का भी ईमेल एड्रेस है तो पहले उसका नेम या जो भी उसने नेम लिख रखा है, उसके बाद एट द रेट और फिर website.com। ठीक है, जैसे कुछ भी नाम हो गया दोस्तों, जैसे RJ फिर @gmail.com, इस तरह से कोई भी ईमेल आईडी। तो सही एड्रेस दोस्तों उसका प्रारूप क्या होता है? यही होता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। कंप्यूटर के अंदर दोस्तों सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये होती है बिट। क्या होती है दोस्तों? बिट। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने के लिए किसी अन्य उपयोगकर्ता को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों सुरक्षा या सिक्योरिटी। सुरक्षा या सिक्योरिटी। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का दोस्तों उपयोग करने के लिए किसी अन्य उपयोगकर्ता को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सुरक्षा या सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटेल कोर शब्द किस श्रेणी से संबंधित है। इंटेल कोर शब्द दोस्तों किस श्रेणी से संबंधित है? यह है माइक्रो प्रोसेसर से। किस से है? माइक्रो प्रोसेसर से। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं और बार बार रिपीटेड होते रहते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कोड जो खुद को कॉपी करके और कंप्यूटर सिस्टम को करप्ट अथवा डेटा को नष्ट करने में सक्षम है, इसे क्या कहा जाता है? ये है दोस्तों, इसे बोलते हैं कंप्यूटर वायरस। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? अपने आप ही डॉक्यूमेंट की दोबारा कॉपी हो जाती है, जो कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है? करप्ट यानी कि खराब करता है, जिससे क्या होता है? डिवाइस हैंग होने लगता है। तो ये किस कारण होता है? कंप्यूटर में वायरस होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो बताना है दोस्तों। जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो नहीं है वो बताना है। तो ये कौन सा होगा दोस्तों? फायरफॉक्स। कौन सा होगा? फायरफॉक्स। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर क्या है दोस्तों? कंप्यूटर की एक भौतिक संरचना है। क्या है? कंप्यूटर की एक भौतिक संरचना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर की वर्तमान उपलब्ध पीढ़ी कौन सी है। अभी वर्तमान में दोस्तों कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है? तो ये है पांचवी पीढ़ी। कौन सी है? पांचवी पीढ़ी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OOPS, ऑप्स का अर्थ दोस्तों क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट। फुल फॉर्म भी दोस्तों बार बार रिपीट होती रहती है, इनको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशमलव यानी कि डेसिमल संख्या 16 के लिए बाइनरी समतुल्य क्या होगा। तो 16 के लिए दोस्तों बाइनरी समतुल्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसे कैसे करते हैं दोस्तों? जैसे कोई भी संख्या दे दी, जैसे 16 संख्या दे दी आपको, अब इसे क्या करेंगे हम? दो से डिवाइड करते चलेंगे। दो से डिवाइड किया तो कितना आ गया दोस्तों? 8 आ गया। इसके बाद में दो से फिर डिवाइड किया, फिर कितना आ गया? 4 आ गया। इस 4 को दोस्तों फिर से डिवाइड किया, कितना आ गया? 2 आ गया। कितना शेष बचा? यहाँ पर 0 शेष बचा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। अब यहाँ पर कितना बचा दोस्तों? 2। अब 2 को फिर से 2 से डिवाइड किया, कितना बचा? 1। अब संख्या दोस्तों जो बचती जा रही है ना, उस शेषफल को हम पीछे से लिखना शुरू करेंगे। जैसे ये था शेष, 2 बचा था, पहले 1 फिर 2, नहीं पहले 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 और फिर 0। यहाँ पर भी 0 बचा था और यहाँ पर भी 0। तो इस तरह से दोस्तों नीचे से ऊपर इसको लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? अब संख्या लिख देंगे दोस्तों पीछे से और आगे के रूप में, जैसे 1 0 0 0 0। ये संख्या दोस्तों डिवाइड करने के बाद में आई थी, तो ये बाइनरी डेसिमल हो जाएगा दोस्तों। इसको दशमलव संख्या में बदलने के लिए ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है।
तो दोस्तों कंप्यूटर का अगर जनक पूछ लिया जाए तो ये तो होगा चार्ल्स बेबेज, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जनक पूछ लिया जाए तो ये होगा एलन ट्यूरिंग। कौन हो सकता दोस्तों? एलन ट्यूरिंग, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर के जनक कौन है, तो अभी बताया था आपको चार्ल्स बेबेज। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नवीनतम कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। नवीनतम दोस्तों कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो ये है सॉलिड स्टेट डिस्क। कौन सी है? सॉलिड स्टेट डिस्क, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, ठीक है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है दोस्तों? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कम से कम 30 या 35 क्वेश्चन दोस्तों आपको इस वीडियो में करवाए गए हैं। आगे के क्वेश्चंस अगली वीडियो में आपको करवा दिए जाएंगे। तो अभी तक दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आरजी स्टडी रूम को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों, ताकि आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।